कारसाज हादसे में मुलजिमा ड्राइवर के यूरिन के नमूनों में आइस की मौजूदगी पाई गई। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक कुछ चीजें सामने आई हैं, जो जाहिर करती हैं कि मुलजिमा को गाड़ी में नहीं होना चाहिए था। कराची के इलाके कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत के केस में गिरफ्तार गाड़ी की ड्राइवर मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। जराए के मुताबिक मुलजिमा ड्राइवर के यूरिन के नमूनों में आइस की मौजूदगी पाई गई है, जबकि मुलजिमा के खून के नमूने में कोई नशावर चीज नहीं पाई गई। पुलिस ने मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी है। कारसाज हादसे की मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कराची पुलिस चीफ जावेद आलम का कहना था कि तफ्तीश जारी है, ज्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीजें सामने आई हैं जो जाहिर करती हैं कि मुलजिमा को गाड़ी में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेडिकल अथॉरिटीज से बात करके हतमी राय कायम कर सकेंगे, इस हवाले से तिब्बी माहरीन का मौकफ भी हासिल करेंगे। कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाबहक होने का वाकया 19 अगस्त को पेश आया था। गाड़ी में सवार मुलजिमा ने मोटरसाइकिल पर वालिद के साथ सवार आमिना आरिफ को पीछे से जोर से हिट किया, जिसके नतीजे में दोनों की मौत वाकया हो गई। इस वाकये में 5 अफराद जख्मी थे, जिनमें से एक की हालत भी तशवीशनाक है।